अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अली हेल्थ एंड हब डॉट कॉम के नाम से मेरी अपनी वेबसाइट है जो फिल वक्त जो है बिल्ड हो रही है, प्रॉपर जो है वो भी रन अपनी हुई है। इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब चैनल भी है। आप मुझे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं बता सकते हैं कि आपको किन नुस्खा जात के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए और किस चीज़ के ऊपर जो है या किस चीज़ से मुतालिक आपको जो है इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है। तो मैं इंशाल्लाह आपको 110% पॉजिटिव नुस्खा जात ला के दूंगा जिनका पॉजिटिव रिजल्ट होगा इंशाल्लाह। जैसा कि आप सब लोगों ने मुझे जो है कमेंट किया, बताया कि आपने कुछ कुछ हजरात ने मुझे मेल भी की और बताया उनमें कि आप भाइयों को जो है एक नुस्खे की कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी, तो मैं आज जो है नफ्स के हवाले से वो नुस्खा दोबारा जो है आपको बताने लगा हूँ और वो वीडियो दोबारा करने लगा हूँ ताकि आप लोगों को एक दफ़ा समझ आ जाए कि स्टेप बाय स्टेप करना क्या है। क्योंकि कुछ ने जो है आगे से देखी वीडियो, कुछ ने पीछे से देखी, क्योंकि वो अलग अलग पार्ट में मुझसे मिलती, तो जिस वजह से जो है वो उनको थोड़ा सा जो है समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि चलें आप लोगों के लिए जो मैंने पार्ट्स में की थी वो एक ही पार्ट में जो है मैं दोबारा से जो है पेश कर दूं। सिंपल सी जो वीडियो थी मैंने आपको बताया था, उसमें जो है एक एक चीज़ बताई थी आपको जो कि आपके घरेलू इस्तेमाल में बड़ी ही कीमती चीज़ है और आप लोग जो हैं उसको यूज़ करें और आपका फ़ायदा हो। मैंने आपको लहसुन का इस्तेमाल बताया था और लहसुन का जो है तेल बताया था, गार्लिक ऑयल और गार्लिक का इस्तेमाल बताया था। जिस तरह के आपको मैंने बताया था कि जो लहसुन है ये क्या करता है, लहसुन की जो गुलियाँ हैं जमें जिसको हम बोलते हैं अपनी ज़बान में, कुछ गुलियाँ ही बोलते हैं, तो आपने क्या करना है कि इसको जो है खाना है। मुझे कई भाइयों ने कहा कि सर कितना अरसा खाना है, कितना टाइम प्रोसीजर क्या है, तो मैंने बताया था जिस तरह के 1.5 से 2 माह, लेकिन सम टाइम जो होता है ना मिस्टेक हो गई कुछ भाइयों के सुनने में, तो उन्होंने कहा कि सर आप मेकानली बता दें कितना अरसा। मैं दोबारा अब आपको ये बता रहा हूँ कि आपने जो लहसुन है बेसिकली जो है नुस्खे को स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम एक पिच तैयार करते हैं, क्योंकि देखें आप नफ्स को साइज़ में बड़ा करने जा रहे हैं और उसकी हेल्थ में इजाफा करने लगे हैं, उसको मोटा करने लगे हैं, तो उससे पहले हम जो है आपके अंदर से जो है उसको रिकवर करेंगे, फिर जो है उसकी बैरूनी सतह पे आएंगे। क्योंकि इंटरनली तौर पे जब आप वीक होंगे तो आप कुछ भी असर करेंगे या कुछ भी आप उसके ऊपर करेंगे तो आपको वो फ़ायदा नहीं देगा। क्योंकि आप देखें कि कोई भी ऑयल आप लगा लें और जहरी बात है आपके जिस्म में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए उसको सहने की, तो जहरी बात है जब आपका जिस्म अंदरूनी तौर से जो है वो खोखला हो चुका है तो अगर आप कोई भी उसके ऊपर ऑयल लगाएं, कुछ भी बैरूनी आप रिएक्शन करेंगे तो वो आपको पॉजिटिव रिएक्शन नहीं देगा बल्कि नेगेटिव रिएक्शन देगा। इसी तरह ही जो है मैंने आपको बताया था कि आपने जो है इसका गार्लिक का ऑयल बना लिया। अब मैं यहाँ पर आपको दो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताने लगा हूँ दोबारा से, काइंडली जो है आप ज़रा एहतियात से सुनिएगा और ये वो लोग ना इस्तेमाल करें जिनको जरियान का मसला है, क्योंकि जरियान के जो मरीज़ हैं अगर वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो उनको जो है 110% जो है इसका नुकसान होगा, क्योंकि जितना इसका फ़ायदा उतना ही इसका नुकसान है। क्योंकि जरियान का मरीज़ जो है वो पहले ही इतना अंदरूनी तौर पे जो है वीक होता है और जब वो इसको रिएक्ट करेगा अपने जिस्म के ऊपर लगाएगा इस ऑयल को तो वो फिर जो है उसको नुकसान हो जाएगा। अब आपने करना है क्या कि बेसिकली जो नुस्खा है वो 2 माह के लिए होता है कि आपने कम से कम 2 माह पहले जो है अपने लहसुन जो है आपने पेस्ट बना लेना लहसुन का और इसको जो है दोपहर के खाने के साथ आपने ले लेना है और जो है आपने उसको रात के खाने के साथ ले लेना है। जिस तरह आप जो है इसको पीस लें, पेस्ट बना लें इसका, और जो है आप इसको कम से कम एक जो है चम्मच होनी चाहिए जो आपने खानी है रोज़ 2 टाइम। अगर आप 2 टाइम नहीं भी खा सकते तो कम से कम 1 टाइम इसको जो है आप कंटिन्यू रखें, क्योंकि बेसिकली जो वैसे नुस्खा है उसमें 1 टाइम का ही है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ इस नुस्खे में जो आपको मैं चीज़ समझा रहा हूँ इसमें ये है कि अगर तो आपका जिस्म सह सके तो आप इसको 2 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपका जिस्म ना सह पाए तो आप काइंडली 1 टाइम यूज़ करें। और ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो काइंडली थोड़ा सा अपना एहतियात बरतें इस काम को इस्तेमाल करने में, क्योंकि ये जो है काफ़ी
जो है सेंसिटिव किस्म का एक केस है जिसको आप करने जा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली वजह यह है कि जब आप लहसुन खाएंगे तो ये आपकी जितनी भी रगे हैं, जितनी भी शाह रगे हैं, जितनी भी रगे हैं, पूरी बॉडी की मसल्स आपके जो है ना, ये इनको खोलता है। क्योंकि जब हम इसका कोई वर्क करते हैं तो आपकी नसें, जो डैमेज नसें हैं, वो अंदरूनी तौर पर पहले वो खुलेंगी, तब ही जो है हम उसके ऊपर ऑयल का जो है वर्क कर सकेंगे। तो काइंडली आप अगर नहीं भी कर से कम भी जो है ना 20 दिन, 20 दिन तो कम से कम 15 दिन जो है आपने ऑयल इस्तेमाल करने से पहले, ये 15 दिन पहले जो है इस्तेमाल करना शुरू करना है। 15 दिन कम से कम आपने जो है गार्लिक खाना है, और उसके बाद जो है आपने जो है, अब मैं तेल आपको दोबारा बताने लगा हूँ किस तरह से बनाना और किस तरह इस्तेमाल करना है। आपने जो है कम से कम आधा किलो जो है या किलो जो है, आप 1 लीटर जो जो ऑयल है इसको ले लेंगे। इसमें जो है आप 12 से 13 जो लहसुन की गुलियां हैं, जवें जिनको हम बोलते हैं, या पूरा एक लहसुन जो है आप ले लेंगे, और इस पूरे एक लहसुन को छील लेंगे, और छीलने के बाद जो है आप इसको उसमें डाल देंगे ऑयल में, ऑयलिव ऑयल में आप डाल देंगे, जैतून के तेल के अंदर जब आप डाल लेंगे, तो इसको आप जो है कम से कम 45 से 1 घंटा जो है आप इसको पकाएंगे। हल्की आँच आपने रख लेनी है और इसको खूब आपने पकाना है। जितना ज़्यादा आप इसको पकाएंगे, आप देखते जाएंगे कि इसके रंग में फ़र्क आता जा रहा है। जैसे ही आप देखेंगे इसका प्रॉपर रंग जो है ब्लैक से ब्राउन, डार्क ब्राउन हो जाएगा, जो आपकी जो लहसुन की गुलियां हैं वो ऊपर फ्लड करने लगेंगी, जिस तरह आप देखते हैं कि वो जब जल जाती है राख बन जाती है, तो इस तरह से जो है वो राख बन जाएगी। आपने क्या करना है, जब ये राख बन जाए और आपका तेल जो आप देखेंगे ब्लैकिश हो गया है, तो आपने जो है उसको उतार लेना है और उसको ठंडा कर लेना है। जब आप उसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद आपने करना क्या है कि उसको कम से कम 15 से 20 मिनट जो है उसको रख देना है, और उसके बाद जो है आप अपनी किसी भी बोतल में डाल लें और उसको जो है साइड पर रख लें, महफूज कर लें, हिफाजत से रख लें। और उसका इस्तेमाल भी आपने कैसे करना है, इस्तेमाल का भी मैंने तरीका बताया हुआ है, आप मेरी वीडियोस देखें, इस्तेमाल का भी मैंने तरीका बताया हुआ है, लेकिन बहरहाल मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि अब आपने इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। आपने क्या करना है कि नफ्स को पहले आपने नॉर्मल नीम गर्म पानी से जो है, ज़्यादा गर्म ना हो ताकि आपका नफ्स जले ना, छाले ना पड़ जाए, नीम गर्म पानी हो उससे जो है एक बैंडेज ले लेनी है, उसको डुबो के आपने उसकी जो है मसाज करनी है। मसाज से मुराद ये है कि आपने उसकी ठकोर करनी है। आप उसको जब धोएंगे तो कम से कम 3 से 4 मिनट जो है आपने उसकी खूब जो है वो मसाज करनी है। उसके बाद जब आप देखेंगे 3 से 4 मिनट के बाद देखेंगे आपका नफ्स बिल्कुल गर्म हो जाएगा, आपने जो है उसको साफ़ कर लेना खुश कपड़े से और उसको छोड़ देना 2 मिनट के लिए। उसके बाद आपने जो है तेल इस्तेमाल करना है। तेल आपने नफ्स की कैप को छोड़ के बाकी उसके रूट से लेकर जहाँ से नफ्स शुरू हो रहा है और उसकी कैप को छोड़ के बाकी आपने ऊपर नीचे उसकी मसाज करनी है। कोशिश कीजिएगा मसाज आपकी जो है कम से कम भी जो है ना 3 से 5 मिनट या 7 मिनट के दौरान हो, कम से कम 3 मिनट लाजमी आपकी मसाज हो। उसके बाद जब आप ये मसाज कर लें तो आपने क्या करना है, क्योंकि जहरी बात है जब आप मसाज करेंगे तो आपका नफ्स बहुत ज़्यादा गर्म होगा, उसके बाद आपने इसके ऊपर पानी नहीं पड़ने देना। आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने बैंडेज कर लेनी है और आप अपना काम करते हैं, ताकि आपके कपड़े भी ख़राब ना हो और आपकी जो वर्किंग जो आपने की है वो भी प्रॉपरली स्टार्ट हो जाए। तो अगर आपको मेरी जो मसाज का तरीका अगर दोबारा आप समझना चाहते हैं, मेरी वीडियोस देखें जिनमें मैंने जो बिल्कुल जो मुख्तसर सा तरीका बताया हुआ है, तो आपको उसमें से जो है पता चल जाएगा किस तरह से आपने उसकी मालिश करनी है। मालिश वाला तरीका जो है वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं ये जस्ट आपको एक गाइडलाइन दे रहा था ताकि आपको कुछ समझ आ जाए। तो आप जो आप मैंने आपको बता दिया, आप इसको इसी तरह ही करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और मुझे नेक्स्ट टाइम तक की वीडियो के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।